अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका आर एंड्रॉइड फूड्स में। आज मैं आप लोगों के लिए देगी कौरमे की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी लेकर आया हूँ, तो मेरी इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त है ये हड्डी वाला, इसको हमने डाल लिया। इसको हम करेंगे पहले मैरिनेट, और इसमें डालेंगे हम दही, ये 100 ग्राम दही है, इसमें हमने 100 ग्राम दही डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमें डालना है इसमें 4 छोटी हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची का दाना, ये डाल दिया हमने इसमें। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टी स्पून हल्दी, नमक हसबे जायका, काली मिर्च के और दाने इसमें 15 से 20 और 4 अदद लौंग है, ये इसमें डाल दिया हमने। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और किसी भी कंपनी का कौरमे का मसाला ले रहे हैं हम यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून, तो 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे कौरमे का मसाला, इसलिए मैंने बाकी तमाम मसाले थोड़े कम रखे हैं क्योंकि मुझे इसमें कौरमे का मसाला भी ऐड करना था। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 70 ग्राम कुकिंग ऑयल, गैस में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी, किसी भी कंपनी का घी ले लें, ये 2 टेबल स्पून में इसमें घी ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कौरमे के अंदर, तो आपको ये घी जरूर ऐड करना है। 2 टेबल स्पून पहले आप घी ऐड करें, लेकिन जरूर ऐड करें। इसके बाद हम इसको मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यकीन करें ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, और इससे आपका कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल शादियों वाला कौरमा आपका बनेगा। तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब तक हम इसको मैरिनेट करने लगते हैं, तो उस वक्त तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, अब इसको हम पकने देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे और जो इसके बाकी के मसाले आपको बताएंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी और आपका शोरमा बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे शादियों में बनता है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी डाल लेंगे इसमें हम, और इसको फिर से पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको जो है फिर से जब तक गोश्त गल ना जाए पकने के लिए रख देंगे। चलें जी, अब देखते हैं, चेक करते हैं हमारा गोश्त गला है नहीं गला है। तो तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया पकते हुए, तब इसको चेक करते हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त अभी से इसकी खुशबू आ रही है, हालांकि अभी थोड़े मसाले डालना बाकी है मुझे यहाँ पर। तो चेक करते हैं, गोश्त गल चुका है और जैसे इसका तेल ऊपर आ जाएगा कम्प्लीटली, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि फर्दर इसमें क्या ऐड करना है। तो 1-2 मिनट का वेट करते हैं, हम इसको अच्छी जगह भून लेंगे। लेकिन इसका तेल ऊपर आ चुका है, तो जो है अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगा, उसके बाद इसमें जो है हम बताते हैं आपको करना क्या है आगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ऐड कर लिया है, देखें जी इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद जो है आपने इसको ऐसे बारीक से हाथ की मदद से इसका चूरा कर लेना है, इससे क्या होगा आपका दानेदार कौरमा बनेगा। तो आपको ऐसे चूरा करके इसमें डाल देना है। इसके बाद जो है साथ ही हम ये बादाम डालेंगे, 8 से 10 दाने बादाम के छील लिए थे इसको, तो ये डाल लेंगे और इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जायफल जवाती का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। और साथ में जो है 1 टेबल स्पून इसमें केवड़ा एसेंस मिक्स कर देंगे, और अब इसको हम लगा देंगे दम। ये जो दम है इसको मिक्स करने के बाद आपको इसमें दम लगा देना है। ये जो आप दम लगाएंगे इसके अंदर, यही इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू लेकर आएगा। इसको तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको खोलना नहीं है, बस मंदी आंच पे इसको दम लगा के छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं हम। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं दम पे इसको लगे हुए, तो अब इसको खोलते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल देगी कौरमे जैसा हमारा कौरमा बनाए।
तो इसको अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखें जी, ज़बरदस्त हमारा देगी कोरमा तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन क्लिक कर देना कि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी से पहुंच सके।